राधे राधे। मैं शैल आप सभी का अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम के खट्टे मीठे अचार की बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन रेसिपी। ये रेसिपी हमारी माँ की बताई हुई है। ये अचार आप रखेंगे तो कई सालों तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। आम आजकल मार्केट में आ रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में हर तरह का अचार बना रहे हैं, तो आप भी ये खट्टा मीठा अचार बनाएं। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो कच्चे आम चाहिए 1 किलो और पीसी शक्कर 1 किलो, 100 भूनकर पीसी हुई 25 ग्राम, जीरा भूनकर पीसा हुआ 25 ग्राम, काली मिर्च भूनकर पीसी हुई 25 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, सिरका 1/4 कप, छुहारे 1 अदद बारीक कटा हुआ और लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। आप लाल मिर्च कम या ज़्यादा खाते हैं तो खट्टा बढ़ा सकते हैं। काला नमक 1 छोटा चम्मच, चिरौंजी 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, केसरिया रंग 1 चुटकी। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। इसे डालने से अचार का कलर सुंदर आता है। और अब इसे बनाते हैं आम का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए। सबसे पहले तो आम को धोकर छील लें और फिर उन्हें कद्दूकस कर लें। फिर उसके बाद 1 बड़ा चम्मच नमक आम के गूदे पर छिड़क कर खूब अच्छी तरह से मिला दें और 2 घंटे के लिए इसे रख दें। 2 घंटे के बाद एक कढ़ाई लें। कढ़ाई में पिसी हुई शक्कर और कद्दूकस किया हुआ आम मिलाकर मीडियम गैस पर पकाएं और जब शक्कर पिघल कर शीरा बन जाए तो फिर उसमें जीरा, सौंफ, काली मिर्च पाउडर और कटे हुए छुहारे डाल दें और बीच बीच में चलाते रहें। इस मिश्रण के गाढ़ा होने पर इसमें किशमिश और चिरौंजी भी डाल दें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, काला नमक डालें और 3 मिनट तक और पका लें। 3 मिनट के बाद ढक्कन बंद करके गैस को बंद कर दें। अब आपका खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है। ठंडा होने पर इसे एक कांच के साफ सुथरे जार में रख दें। जब भी आप इसे बच्चों को टिफिन में लें या खाने के साथ चटकारे लेकर खाएं। और अब जानते हैं इसमें सिरका मिलाने का तरीका। सिरका मिलाने से अचार ख़राब नहीं होता है। इसके लिए सिरका को पहले अच्छे तरीके से उबाल लें। उबाल कर सिरका जब कायदे से ठंडा हो जाए पूरी तरह से, तब इसे अचार को भरते समय उसमें मिला दें और चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से चला दें और फिर इसे कंटेनर में भरकर रख लें। आम का खट्टा मीठा अचार तैयार हो गया है। ये अचार आपका 3 से 4 साल तक आराम से चलेगा। आम का अचार कोई भी कभी भी बनाए वो ख़राब न हो, उसके लिए कुछ टिप्स हमेशा आजमाएं। नंबर 1, अचार को हमेशा साफ और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के कंटेनर में ही रखें। कभी भी प्लास्टिक के कंटेनर में अचार ना रखें। प्लास्टिक कंटेनर में रखा अचार खाना सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। दूसरा, अचार को निकालने के लिए हमेशा साफ सूखे चम्मच का ही उपयोग करें। कभी भी गीले बर्तन से अचार ना निकालें और हाथ का उपयोग ना करें। इसके साथ ही अचार के लिए जो भी आम लें वो दागी ना हो। दागी आम का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। आप ये टिप्स आजमाएंगे तो आपका अचार सालों साल चलेगा, कभी नहीं ख़राब होगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप सभी का पोस्ट को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। राधे राधे।